Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चेस्ट वर्कआउट घर पे ही जो आप कर सकते हो विद ओनली डंबल्स। अब देखो मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि यार एनवायरनमेंट आपका कोई भी हो, चाहे जिम हो, चाहे घर की चार दीवारी हो, आपके पास टूल्स कौन से हैं उससे फर्क पड़ता है। सो जैसे कि पिछला वीडियो मैंने डाला था जिम के अंदर बना रहा था लेकिन कर मैं डंबल से ही रहा था, बेंच प्रेस का मैंने इस्तेमाल किया, मैंने आपको अल्टरनेटिव बताया कि भाई चेयर पे लगा लो। तो टूल्स मैटर करते हैं, एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता, दिमाग में इस बात को डालना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चेस्ट वर्कआउट समझा रहा हूँ मैं, फुल चेस्ट वर्कआउट, सारी एक्सरसाइजेस बताऊंगा घर पे जो लगा सकते हो, डंबल से जो लगा सकते हो, और पूरा आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा चेस्ट का, ठीक है। और टुवर्ड्स द एंड हम जेनिट न्यूट्रिशन के स्पोर्ट्स वे की बात करेंगे, सो बने रहिए इस वीडियो में। नाउ सबसे पहले बात करने वाले हैं हमको टूल क्या चाहिए, टूल्स एक पेयर ऑफ डंबल्स। अब देखो यार डंबल तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कह लीजिए, इफ यू आर अ फिटनेस एंथुसियास्ट और डंबल नहीं खरीदा हुआ है आपने इस वक्त पे, एक बारबेल छोटी सी नहीं खरीदी हुई है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली एक्सरसाइज चेस्ट की जब हम बात करते हैं, ऑफकोर्स वार्म अप आप करेंगे पूरी तरीके से, घर पे भी कर रहे हो तो वार्म अप करना जरूरी है। उसके बाद पहली एक्सरसाइज क्या होगी, मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज जिसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड फ्लाई। किस तरीके से लगाते हैं देखिए, तो सबसे पहले आप फ्लोर में इसे लगाएंगे, सारी एक्सरसाइजेस चेस्ट की फ्लोर पे ही लगेंगी, घर पे आपके पास बेंच होना थोड़ा मुश्किल है, सो मैं फ्लोर पे बता रहा हूं, डंबल होना लेकिन जरूरी है। सो इस तरीके से कंप्लीटली लेटेंगे। अब अराउंड द वर्ल्ड फ्लाई में क्या आपको बेनिफिट मिलता है, पहले मैं आपको एक्सरसाइज करता हूं उसके बाद बताता हूं। सो यूजुअल फ्लाई क्या होती है, ये ओके। अब अराउंड द वर्ल्ड फ्लाई देखो कितनी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है ये। इसमें क्या करना है आपको, जब आप फ्लाई लेके नीचे जा रहे हैं यू, ठीक है, इस तरीके से यहां पे आपने कॉन्ट्रैक्शन यहां पे करना है और फ्लाई लेके जानी है ये यहां पे, ठीक है। वन टू टू ओके अब मैं आपको बिना वेट के करके दिखा दूं तो समझ में आएगा आपको क्या कर रहा हूं मैं। मेरा मूवमेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पिंकीज है, छोटी उंगली मेरी यू ट्विस्टेड है अंदर की ओर, यहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन से और मैं लेके जा रहा हूं ये यहां पे, ठीक है। इंटरनल रोटेशन कर रहा हूं अपने हाथ का यहां ले जाते हुए यू, ये एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन, इसे कहते हैं अराउंड द वर्ल्ड फ्लाई। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलता है आपको सुनिए। अब देखिए अराउंड द वर्ल्ड में दोनों तरफ पे आपके हाथ यूं और यूं जा रहे हैं। अब इस मूवमेंट में जब आपकी पिंकी ट्विस्ट हो रही है, ये अंदर की ओर रोटेशन हो रहा है, तो उसमें आपका लोअर पेक्टोरियल यानी कि जो ये पेक्टोरलिस मेजर राइट, ये नीचे वाला हिस्सा लोअर चेस्ट आम भाषा में, ये ट्रेन हो रही है। उसके बाद जब आप यू अराउंड द वर्ल्ड ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इंटरनल रोटेशन ऑफ योर आर्म हो रहा है ये ऐसे, तो उसमें आपका क्लेविकुलर हेड, ये ऊपर वाला पार्ट पेक्टोरलिस मेजर का क्लेविकुलर हेड यानी कि आम भाषा में अपर चेस्ट टारगेट हो रहा है ये। सो लोअर एंड अपर दोनों ही मूवमेंट में टारगेट हो जाते हैं। वापस से देखो, ट्विस्ट किया हुआ है, लोअर चेस्ट टारगेटेड है, फील होगा आपको भी। उसके बाद लेके जाओ यू एंड इंटरनल रोटेशन आपका अपर क्लेविकल। यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां तक एक रेपिटेशन काउंट होगा। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आपको 12 रेपिटेशंस लगाने हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, हैवी वेट इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, 5 kg 2.5 kg से ही स्टार्ट करना अगर आपके पास है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड एक्सरसाइज जो बहुत ही अच्छी है, जो है प्रेसेस मूवमेंट राइट। इसमें हम सुपर सेट लगा रहे हैं दो एक्सरसाइजेस का। सुपर सेट की पहली एक्सरसाइज है नॉर्मल डंबल प्रेसेस, ठीक है, जो आप इस तरीके से प्रोनेटेड ग्रिप में लगाते हैं। 1 2 सो इसके आपको 12 रेपिटेशन करने हैं और बिना रेस्ट लिए तुरंत इसके बाद डंबल को न्यूट्रल ग्रिप पे लेके आना है यूं, और यहां से सेम वही प्रेस मूवमेंट करने हैं। 3 4 12 रेपिटेशंस। नाउ अब समझो कि इसमें हो क्या रहा है, जब आप प्रोनेटेड ग्रिप में
प्रेसेस कर रहे हो तो आपका स्ट्रेच जो है आपके पेक्टोरियलिस मेजर में अलग तरीके से पड़ता है, यूं, ठीक है, आपका मसल अलग स्ट्रेच होता है। आपके मिड चेस्ट जो आपका स्टर्नल कोस्टल वाला एरिया है उस पर ज़्यादा आता है, आपके एब्डोमिनल हेड पे भी आता है। नाउ जब आप ये न्यूट्रल ग्रिप में करते हो, ठीक है, डंबल जब न्यूट्रल ग्रिप पे आती है तो एक अलग चेस्ट में आपको स्ट्रेच मिलती है, आपका स्कैपुला थोड़ा ज़्यादा पीछे जाता है, पेक्टोरियलिस माइनर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हो रहा है। सो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फटीग इसमें मैक्सिमम आपको मिलेगा 12 रेपिटेशन ऐसे करना और 12 रेपिटेशन आपको ऐसे करने हैं। वेट का सिलेक्शन ऐसे ही करना जिसमें 12 ही रेप आए, 7.kg हो सकता है कि लाइट हो जाए तो 10, 12.5 जैसा भी है आप इस्तेमाल करके कर सकते हो इसको। ओके, सो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है यहाँ पे यूनिलेटरली स्टेटिक फ्लाई। अब इसमें क्या करना है, यूनिलेटरल मतलब एक हाथ से एक बार में, तो फ्लाई यहाँ पे हम वही कर रहे हैं लेकिन इसमें हम एक हाथ को स्टैटिक रखा जाएगा और दूसरे हाथ को हम फ्लाइज करेंगे। अब स्टैटिक मान लिया जाए मैंने ये लेफ्ट हैंड को रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे होल्ड करके रखना है, ये देखिए फ्लोर में टच नहीं किया हुआ है, रिलैक्स नहीं किया हुआ है, इस हाथ से मैं फ्लाई लगाऊंगा। ऑलराइट, सो इसी तरीके से 12 रेपिटेशन बोथ हैंड्स आपको लगाने हैं। अब इस एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले आपको ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं है, घर पे हो तो छोटे ही डंबल्स होंगे सबको पता है, तो ऐसे यूनिलेटरी लगाने से सिंगल पार्ट को यानी कि एक साइड के पार्ट को अच्छी तरीके से टारगेट किया जा सकता है। काफ़ी सारे लोगों को मसल इम्बैलेंस वाली दिक्कत होती है, एक चेस्ट छोटा एक चेस्ट बड़ा, इस तरीके की वर्कआउट आपको करनी है। ऑलराइट, सो लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी आती है चौथी, वो उसके लिए आपको डंबल नहीं चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक बॉडी और मोटिवेशन। फिनिशर एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, अभी तक आप बहुत फटीग हो चुके होंगे, क्या करना है, पुशअप्स, बॉडी वेट पुशअप्स, सिंपल, शोल्डर वेट अपार्ट आपको अपना हाथ के बीच का डिस्टेंस रखना है और इसके मैक्सिमम रेपिटेशन जितने आ सकते हैं 20, 30 व्हाटएवर, जो भी जितनी स्ट्रेंथ बची है आप में। और आपके चेस्ट का वर्कआउट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, दैट्स इट। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं जेनिथ न्यूट्रिशन के वे प्रोटीन की स्पोर्ट्स सीरीज में। ये एक ब्लेंड प्रोटीन है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट का। इसी के साथ इसके अंदर कोकोआ पाउडर, लेसिथिन, एंजाइम्स और स्पेसिफिकली नेचुरल फ्लेवर्स और स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया गया है। इट कम्स विद एन ऑथेंटिकेशन कोड जिसको आप स्कैन करके QR कोड को आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका ऑथेंटिक है कि नहीं। इसकी एक सर्विंग 35 ग्राम्स की है जिसमें आपको 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, 4.5 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, 0 ग्राम शुगर्स और 1 ग्राम फैट। इसका 1 केजी का फ्लेवर्ड पैक आपको 1472 रुपीस का मिलता है जो रिच चॉकलेट फ्लेवर का है। इसकी मिक्सिबिलिटी की बात करें तो ये काफी आराम से पानी और दूध के साथ मिक्स हो जाता है, इसका स्पेसिफिकली रिच चॉकलेट फ्लेवर। बात करें टेस्ट की तो ये बहुत ही डिसेंट और अच्छा टेस्ट है अगर इसके चॉकलेट फ्लेवर की बात करें तो। अगर आप इसको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट और ट्रेनिंग के साथ कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरीके के सप्लीमेंट को ऐड करने के बाद आपको अपनी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक सही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या कंफ्यूजन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके से, एंड टेक केयर गाइस, जीत सलाल, बाय बाय।